नमस्कार दोस्तों, मुक्तिदाता या कल के अवतार के बारे में हमने अनेक भविष्यवक्ताओं की बातों को जाना है। सभी ने अपने अपने स्तर पर भविष्य की बातों को हमें दिखाया है, परंतु आज भी हम ऐसे संत की बात करेंगे जिसे सटीकता और पूर्ण रूप से मुक्तिदाता के बारे में बताने के लिए जाना जाता है। जो वास्तविकता इन्होंने मुक्तिदाता और कल के अवतार के बारे में हमें बताई है, वह इससे पहले कभी किसी ने नहीं बताई। वह संत कौन है तथा वह भविष्यवाणी कौन सी है, यदि आप भी ये जानना चाहते हैं तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पृथ्वी ब्रह्म पर। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, इस युग के मसीहा और निष्कलंक अवतार का दक्षिण के प्रसिद्ध संत और भविष्यवक्ता रामन स्वामी अय्यर के कथन अब तक के हुए भविष्य के कथनों में सबसे अधिक स्पष्ट है। श्री अय्यर लिखते हैं कि कल के अवतार ना तो घोड़े पर चढ़ा हुआ आएगा और ना ही तलवार लेकर, तो भी वह दोनों प्रतीक ही उनकी पहचान के माध्यम होंगे। घोड़ा शक्ति का प्रतीक है, उस पर कल के अवतार की आसीन होने का अर्थ है कि वह इतना समर्थ व्यक्ति होगा कि शक्ति उसकी इच्छानुसार कार्य करेगी। राम ने अपनी शक्ति को हठात रावण जैसे तांत्रिक पर भी थोप दिया था। कृष्ण अवतार थे क्योंकि उनकी शक्ति के आगे सभी कौरव और पांडव थर्राते थे। शुद्ध अहंकार अवतार का ही काम है और उनकी यही पहचान होती है कि संसार के सभी शेष बुद्धिमान से बुद्धिमान और बलवान से बलवान लोग भी उनकी शक्ति के आगे नीच पड़ जाते हैं। घोड़े का अर्थ यही है कि वह इतिहास का प्रबलतम शक्तिशाली व्यक्ति होगा। तलवार का अर्थ है काटना। शत्रु के सिर तो नहीं काटे जाते, विचार भी काटे जाते हैं। कल्कि पुराण से भी प्रकट है कि कल्कि अवतार बौद्धों अर्थात उन लोगों के बुद्धिवाद से युद्ध करेंगे जो आज के युग में देखने में बहुत शिक्षित लगते हैं, पर वे पदार्थ से परे और कुछ नहीं देख सकते। नास्तिकतावादी, भोगवादी, संचय और उपयोगितावादी व्यक्तियों को ऐसी मान्यताओं को जो विस्मार करेगा, वही कल्कि अवतार होगा। श्री अय्यर ने बताया कि कल्कि अवतार का जन्म मथुरा के पास हो सकता है। संबल का अर्थ चंबल नदी के किसी तटवर्ती ग्राम से भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र उसका मथुरा में होगा। उसके सहायक सभी प्रांतों से आएंगे। वह महान गायत्री उपासक और सावित्री तत्व का ज्ञाता होगा। विचारों को विचारों से काटने की कला में वह अत्यधिक प्रवीण होगा। अब तक समाज में जो मान्यताएँ फैली है उनकी प्रतिस्थापनाएँ दे सकने में केवल वही समर्थ होगा। दूसरे कई लोग अपने आप को अवतार कहेंगे। वे थोड़े बहुत चमत्कार भी दिखाएंगे, पर किसी प्रकार की रचना उनके वश की बात न होगी। इसीलिए वे बरसाती कीड़ों की तरह निकलेंगे और नष्ट हो जाएंगे। जबकि कल्कि अवतार नामी महापुरुष संपूर्ण आर्ष ग्रंथों के उद्धार से लेकर सामान्य जीवन तक की सारी रीति नीति संबंधी नए विचारों का सृजन करेगा। पीछे इन्हीं विचारों का लोग अनुसरण करेंगे। वह ग्रस्त होगा। अतुल संपत्ति वाला होकर भी उसका रहन सहन साधारण ग्रस्त जैसा ही होगा। उसकी संपत्ति लोक मंगल के लिए होगी। उसके इस आदर्श को अनेक देशव्यापी अनुयायी भी अपनाकर ऐसा समर्थ संगठन तैयार करेंगे जो उसके दिए विचारों को पूरे विश्व में फैला देंगे। वह अद्भुत स्वभाव वाला चमत्कारी व्यक्ति अपने जीवन के उत्तर काल में स्थान परिवर्तित करेगा तथा भारतवर्ष विपुल उन्नति करेगा, और उसका प्रभाव अमेरिका, रूस व अन्य देशों तक छा जाएगा। ये सब देश भी उसके वैभव के आगे नगण्य से लगने लगेंगे। कल्कि होने का श्रेय जिसे मिलेगा वह परिस्थितियों और समय के लिए छोड़ दिया जाए। अवतारों को लोग उनके जीवन काल में ही पहचानते हैं, सो उनकी पहचान ना हो ऐसा संभव नहीं है। वह भले ही कितने भी छुप कर रहें, उजागर होंगे ही, पर इतना निश्चित है कि युग को पलट डालने वाली सत्ता का अवतरण हो चुका है। वह अपने यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजाम्य हम संकल्प को पूरा करने न आए ऐसा संभव नहीं है। यह अलग बात है कि कौन लोग उनके प्यार को पाते हैं और कौन विनाश का शिकार होते हैं। चलना सभी को लोक मंगल के पथ पर ही पड़ेगा, चाहे कोई अपनी इच्छा से चले या मजबूर करके चलाया जाए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हम आशा करते हैं कि इस जानकारी ने आपको भविष्य के बारे में कुछ खास तो अवश्य बताया ही होगा। वह अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।
और अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस पर जल्द से जल्द काम करें। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका कीमती समय हमें देने के लिए आपका दिल की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।